अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव की हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 2.3 मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर भी मैं इसमें दो पार्ट है, दो क्वेश्चन मैं इधर कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, और फिर मैं ऑनवर्ड आगे चलूंगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 वो यहां पर कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऊपर क्या कह रहा है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इन क्वेश्चंस को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स रेज टू पावर -3 +2 एक्स रेज टू पावर -3/2 +3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सिमिलर हैं, 2 मैं यहां पर कर रहा हूं। बेटा इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले लेट कर लें y के इक्वल, लेट कर लें किसके इक्वल? y के इक्वल। और अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर वो ना भी कहता तो हमें पता है कि x यहां पर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा यहां पर लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें पता है dy ओवर dx। अब सबसे पहले मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, तो यहां पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नजर आ रही है आपको। क्या नजर आ रही है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए ना, तो हम पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल क्या है? पावर पहले, एक पावर कम, -3 -1। डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1। तो पावर पहले, एक पावर कम, डेरिवेटिव बेस से आगे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या है बेटा? प्लस। अब मैं नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। जब मैं नेक्स्ट टर्म को देखता हूं ना, तो नेक्स्ट टर्म में मुझे क्या नजर आ रहा है? वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। तो क्या अल्फाज बोलेंगे? कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का। और यहां पे वेरिएबल क्या है? एक्स की पावर -3/2। तो पावर रूल अप्लाई करने लगा हूं। पावर पहले -3/2, एक पावर कम, -3/2 -1। डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव आ गया। थर्ड टर्म में क्या है? जस्ट अकेला कॉन्स्टेंट नंबर, और अकेले कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx = -3 x^-3 -1। ये हो जाएगा x^-4। अब बेटा आगे देखें, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। ये 2 से कैंसल हो गया तो क्या बचेगा? 3 x^-3/2 -1। यहां पे इसको सॉल्व कर ले अगर आपको नहीं पता, -3/2 -1। एलसीएम ले, क्या एलसीएम आएगा? 2 एलसीएम आएगा। तो -3 -2, तो ये बन जाएगा -5/2। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? -5/2। x की पावर कितनी आ गई? -5/2। और वो ये 0 खत्म हो जाएगा। अब जस्ट हम क्या काम करेंगे, डिनोमिनेटर में जाके चाहे तो पॉजिटिव कर दें पावर्स को। पावर्स को पॉजिटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dx = -3/x^4 -3/x^+5/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पावर रूल लगा और अकेला कॉन्स्टेंट नंबर था। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, 4 मैं आपके सामने अटेम्प्ट करता हूं। इससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स काफी सारी करवाई है, इसलिए ये पहले 5 सवाल मैंने आपको करने के लिए कहा था। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, लेट कर लें y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ उसने बेटा 2x - 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? dy/dx। यहां पे बोलेंगे कोशेंट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। ऊपर वाले फंक्शन को बोलेंगे ये फर्स्ट फंक्शन है, और नीचे वाले फंक्शन को बोलेंगे ये सेकंड फंक्शन। और कोशेंट रूल मैंने क्या सिखाया था आपको? सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। इधर देखें 2x + 1 का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज 2x + 1। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब जब मैं फर्स्ट के डेरिवेटिव की बात करता हूं तो उसमें मुझे जो पहली टर्म नजर आ रही है वो क्या है? 2x, यानी कि वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट नंबर सेपरेट कर लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का। तो बेटा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 - अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
तो देखें सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 2x - 3, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेटा सेकंड फंक्शन में सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, 2x, तो 2 कांस्टेंट बाहर निकाल ले, x का डेरिवेटिव 1 प्लस अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। तो ये हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, हमने क्या किया है सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इधर देखिएगा बेटा dy ओवर dx इक्वल टू क्वेश्चन लाइन वैसे ही आ गई नीचे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 1 2 2 - 0 2, 2 जब बेटा इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x, 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2। अब यहां पर देखें 2 1 2 2 + 0 2, 2 जब इस माइनस के साथ अटैच होगा तो -2, मैंने क्या कहा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 + 0 2, 2 जब इस माइनस से अटैच होगा तो क्या हो जाएगा -2, -2 जब इस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x, और -2 जब इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा +6। अब जस्ट हमने इसको मजीद आगे सॉल्व करना है, dy ओवर dx इक्वल टू क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, -4x प्लस 4x से कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन का। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, यहां पे हमने क्वेश्चन रूल को यूज किया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें आपने यूज करना है प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में आपको बता के क्वेश्चन नंबर 5 में यूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब मैं मूव करूंगा आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां पर करूंगा एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 6 इधर हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इधर देखें, लेट कर ले y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे लिए डेरिवेटिव लेना आसान हो जाएगा। y इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, a माइनस b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर लेंगे तो x आ जाएगा, ये अंडर रूट x से कटा तो क्या बच जाएगा 2। तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू x प्लस, बेटा यहां पे मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1, अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, जैसे ही x को ऊपर ले लेंगे ना तो x की पावर क्या हो जाएगी माइनस 1। यहां पे क्वोशेंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ये जरा गौर से देख लें, ये क्वोशेंट रूल यहां पे अप्लाई नहीं होगा। क्वोशेंट रूल क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि क्वोशेंट रूल अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि न्यूमिरेटर में भी फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन हो, न्यूमिरेटर में भी वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल, फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन यहां पे न्यूमिरेटर में कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में क्या है वेरिएबल, जब न्यूमिरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में वेरिएबल होना तो हम क्या काम करते हैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं, तो जैसे ऊपर लेके क्या हो तो पावर क्या होगी -1 - 2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डी वाई ओवर dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस, यहां पे बेटा x की पावर -1 है तो क्या लगाएंगे पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल क्या है पावर पहले एक पावर कम -1 एक पावर कम कर दी, डेरिवेटिव वो बेस से आगे मल्टीप्लाई करें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस अकेला कॉन्स्टेंट नंबर इसका डेरिवेटिव 0। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू 1, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, और ये -0 खत्म हो जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 - 1 ओवर x2। याद रखें कोशिश आपकी मैक्सिमम ये होनी चाहिए कि कभी भी पावर नेगेटिव ना हो आंसर में, उसको फौरन डिनोमिनेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर दिया करें। यहां पे एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं आप, x2 एलसीएम आ जाएगा तो ये बचेगा इधर x2 - 1। तो ये आंसर आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का।
तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है। यहां पे सिंपल मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है और फॉर्मूला ओपन करने के बाद उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है सिंप्लीफिकेशन करना, लेकिन वो सिंप्लीफिकेशन मुश्किल नहीं रहेगी जब आप इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करना है, समझने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब मैं आपके साथ बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लेट कर लें y इज इक्वल टू ये क्वेश्चन में लेट कर लिया y के इक्वल। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस अंडर रूट एक्स और x माइनस एक्स रेज टू पार 3/2, x रेज टू पार 3/2, और नीचे क्या है? अंडर रूट एक्स। नीचे क्या है? अंडर रूट एक्स। अब बेटा इस पर अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर दू ना, क्या कर लू इस क्वेश्चन पे, डायरेक्ट डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का ले लू, तो बेटा याद रखें कि यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल। क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन रूल। एक तो क्वेश्चन रूल लगेगा, फिर ऊपर दो फंक्शंस की क्या है? प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट रूल भी साथ लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अंडर रूट है इधर, एक्स की पावर 3/2 है, तो पावर रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ही वक्त में मुझे यहां पर क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ रहा है, उसी टाइम पे मुझे प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा और पावर रूल भी लगाना पड़ेगा। ये तो कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचने के लिए डेरिवेटिव की, मैं इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जब मेरे पास सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाएगा, मैं उसका डेरिवेटिव ले लूंगा। अब सिंप्लीफिकेशन सुन ले मैं कैसे कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन में आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। डायरेक्ट लगाएंगे तो फंस जाएंगे, कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां पर देखें y इज इक्वल टू एज इट इज लिख लिया, 1 एज इट इज आ गया प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज आ गया, ये वाला x एज इट इज आ गया माइनस। अच्छा बेटा ये जो 1 प्लस 1/2, जरा इसको सॉल्व करो। 1 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है? 2 एलसीएम, 2 प्लस 1 तो ये कितना बन जाएगा? 3/2। यानी कि 3/2 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 1 प्लस 1/2 में। मैंने यहां पे आपको क्या सिखाया है कि 1 प्लस 1/2 का आंसर आता है 3/2, यानी कि 3/2 दो चीजों का, दो नंबर्स का सम है। कौन कौन से दो नंबर्स? 1 प्लस 1/2, यानी कि 3/2 को हम दो नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस 1/2 में। तो इधर देखें x की पावर कितनी है? 3/2, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 मैंने इसको ब्रेक कर दिया, और नीचे क्या है? अंडर रूट x। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब हम आगे चलेंगे। अब ये जो मैंने ब्रेक किया ना, इस पर मजीद वर्किंग करने लगा हूं। देखें y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट x एज इट इज आ गया, x एज इट इज आ गया माइनस। इस x की पावर 1 प्लस 1/2 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2, क्योंकि मुझे पता है, मैंने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो बेस को एक दफा लिख के पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो पावर्स ऐड हो रही थी, तो मैंने अलग अलग बेसिस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने x की पावर 1 अलग कर दी और x की पावर 1/2 अलग कर दी। अब नीचे क्या है? अंडर रूट x। अब y एज इट इज आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन 9 एज इट इज आ गई, 1 प्लस अंडर रूट x मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मुझे बताएं x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? इधर इधर बचेगा 1 माइनस, इधर बचेगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, और नीचे क्या है? अंडर रूट x। y एज इट इज आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन 9 एज इट इज आ गई। ये वाला x जो है बेटा, इसको मैं शुरू में लिख रहा हूं रीअरेंज करके, x 1 प्लस अंडर रूट x और 1 माइनस x की पावर कितनी है? 1/2। इसका मतलब भी क्या होता है? अंडर रूट x, और नीचे क्या है? अंडर रूट x। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सा रूल समझ लें, नोट में एक छोटी सी बात बेटा समझ लें। दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो, इधर दो एक जैसे नंबर क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। एक पे स्क्वेयर रूट हो, एक पे स्क्वेयर रूट ना हो,
तो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो, एक पे स्क्वेयर रूट है, एक पे स्क्वेयर रूट नहीं है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं, स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसपे स्क्वेयर रूट नहीं होता उस पर हम स्क्वेयर रूट लगा देते हैं, जिसपे स्क्वेयर रूट नहीं होता उस पर स्क्वेयर रूट लगा देते हैं। तो दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो, एक पे स्क्वेयर रूट है, एक पे स्क्वेयर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को खत्म कर देंगे और जिसपे स्क्वेयर रूट नहीं है उस पर स्क्वेयर रूट अप्लाई कर देंगे। इधर देखें, दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक पे स्क्वेयर रूट है, एक पे स्क्वेयर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू खत्म कर देंगे और जिसपे स्क्वेयर रूट नहीं है उस पर स्क्वेयर रूट लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह की फ्रैक्शन को जिसमें दो एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हो, एक पे स्क्वेयर रूट हो, एक पे स्क्वेयर रूट ना हो, तो डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। क्या बताया है? कि स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को खत्म कर देंगे और जिस पे स्क्वेयर रूट नहीं होगा उस पे स्क्वेयर रूट लगा दिया करेंगे। तो जरा रुक कर मुझे इधर बताएं, इधर वापस जरा क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में वाई मैंने एज इट इज लिख ली है, इक्वल मैंने एज इट इज लिख ली है, एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं यहां पर, एक ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एक जैसे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक पे स्क्वेयर रूट है, एक पे स्क्वेयर रूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को खत्म कर दूंगा और जिस पे स्क्वेयर रूट नहीं है उस पे स्क्वेयर रूट लगा दूंगा। तो ये डिनोमिनेटर वाला अंडर रूट एक्स खत्म हो गया। अब ऊपर देखें, यहां पे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। तो बेटा वाई, बाकी का काम मैं ऊपर कर रहा हूं, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वैसे ही आ जाएगा, वन का स्क्वेयर वन, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो x आ जाएगा, तो यानी कि यहां पे बचेगा 1 माइनस x और बाहर क्या है अंडर रूट x, तो y इज इक्वल टू बाहर बचा अंडर रूट x और अंदर मैंने 1 का स्क्वायर लिया 1 माइनस अंडर रूट, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो क्या आ गया x, क्या आ गया x, तो y इज इक्वल टू, आप इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट x, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x अंडर रूट x, एक्स अंडर रूट एक्स। तो बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर इसकी कितनी है 1, और इसका अंडर रूट खत्म करें तो पावर क्या बनेगी 1/2, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस, बेसिस सेम है, बेस को एक दफा लिख के पावर्स को ऐड करें, 1 में 1/2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं, ये मैंने पूरा क्वेश्चन सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमने स्टार्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है कर देते तो क्या होता, हमें क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ता, हमें प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना पड़ता और हमें पावर रूल भी अप्लाई करना पड़ता, हमारी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती। तो मैंने इसकी वजह से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, अब मेरे पास बड़ा सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, यहां पे पावर रूल लगेगा, पावर पहले एक पावर कम 1/2 माइनस 1, एक पावर कम माइनस डेरिवेटिव बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा 1 माइनस, यहां पे फिर पावर रूल लगेगा 3/2 पावर पहले एक पावर कम 3/2 माइनस 1, डेरिवेटिव बेस से आगे मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा। तो अब मैं सिंप्लीफाई करने लगा हूं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से माइनस करेंगे ना 1 एलसीएम लेके तो आंसर आ जाएगा माइनस 1/2 माइनस 3/2, एक्स की पावर 3/2 में से 1 माइनस कर दें तो बेटा हमारे पास बच जाएगा पावर पॉजिटिव 1/2, अगर नहीं पता चल रहा तो यहां पे कर लें 3/2 माइनस 1 तो 2 एलसीएम 3 माइनस 2 तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 1/2 जो मैंने आपके सामने लिखा है। अब पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव कर दें तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया 1/2, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/2 और पॉजिटिव पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 को मैंने क्या लिख दिया अंडर रूट एक्स, चाहो तो यहां से 1/2 कॉमन ले लो नहीं तो यहां पे भी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। अब हम बात करेंगे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 की, तो वो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 हमने पहले सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाइड रिजल्ट का हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, एक्सरसाइज 2.3
क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर मैं डिस्कस करूंगा, डिवीजन रूल अप्लाई होना है, उसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, करेंगे उसका फायदा कोई नहीं होगा। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई चीज आपस में कैंसल नहीं होगी, अगर कैंसल नहीं हो रही, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें फायदा नहीं देगी। तो बेटा यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 को लेट कर लें y के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 होल पे स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है x स्क्वायर माइनस 1। दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन को बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन है और नीचे वाले फंक्शन को बोलेंगे ये सेकंड फंक्शन है। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx। और यहां पर दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो बोलेंगे सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब जब मैं फर्स्ट की बात करता हूं ना तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर नजर आ रहा है, पूरे पे पावर है तो पावर वाला फंक्शन लग, पावर वाला फंक्शन है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या है, इधर देखें जरा गौर से, पावर पहले एक पावर कम, पावर पहले एक पावर कम, टू माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा एक्स स्क्वायर पे फिर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले एक पावर कम, टू माइनस वन, डेरिवेटिव ऑफ बेस वन, और प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो, प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो। क्या किया मैंने, सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट को देखा तो होल पे स्क्वायर था तो वहां पे पावर रूल लगाया, पावर पहले एक पावर कम, अब डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करना है, जो डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस में मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का पावर रूल लगाया तो ये हमारे पास 2x की पावर 2 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 आ गया, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, ये हमने लिख दिया। तो सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेटा सेकंड फंक्शन देखें, यहां से क्वेश्चन में से देखना सेकंड फंक्शन, सबसे पहले क्या नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल लगेगा, पावर पहले एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस वन, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, वन का डेरिवेटिव अकेले कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डेरिवेटिव ले चुके हैं, डेरिवेटिव में हमने क्वेश्चन रूल लगाया, और मैं बार बार क्वेश्चन रूल जो है रिपीट कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आपको अच्छे तरीके से वो याद हो जाए, सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो बेटा अब सिंप्लीफिकेशन जरा गौर से देख लें, dy ओवर dx इक्वल टू नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब बेटा जरा इधर देखें, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने एज इट इज लिख लिया, ब्रैकेट ये टू एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और टू माइनस वन क्या होता है वन, पावर वन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बनेगा बेटा टू एक्स की पावर टू माइनस वन एक्स, प्लस जीरो करेंगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, और बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा टू एक्स, वन से मल्टीप्लाई होगा टू एक्स माइनस जीरो, तो क्या बचेगा टू एक्स बचेगा, जस्ट हमारे पास क्या बचेगा टू एक्स। आप बेटा इधर देखें, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मुझे बताएं कि ये टू एक्स जब इस टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा फोर एक्स, क्या हो जाएगा फोर एक्स, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, ये 2 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4x, साथ क्या बचा हमारे पास x square minus 1 और x square plus 1, और minus ये वाला 2x मैं पहले लिख रहा हूं और आगे x square plus 1 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, a plus b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होगा a square plus b square plus 2ab, तो x square का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 4, a square plus b square 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx एज इट इज आ गया,
इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन 9 एज इट इज आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख लिया, 4x मैंने एज इट इज लिख लिया बेटा। इधर देखे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या करेंगे a का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 4, माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब बेटा 2x को अंदर जरा मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2x रेज टू पावर 5, 2x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, 2x जब माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब। अब बेटा इस 4x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस 4x को भी क्या कर दें अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बाकी का काम मैं यहां पे कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है। 4x जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा 4x की पावर 5, 4x जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 5, और 4x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने से क्या बनेगा माइनस 4x। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, dy over dx एज इट इज आ गया, इक्वल एज इट इज आ गया, क्वेश्चन 9 एज इट इज आ गई, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा 4x जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x की पावर 5, 4x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x, और आगे जितनी टर्म्स है मैं वैसे लिख रहा हूं, माइनस 2x की पावर 5 है आगे, माइनस 2x है, फिर है हमारे पास बेटा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब। तो बेटा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, dy ओवर dx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4x रेज टू पावर 5 माइनस 2x रेज टू पावर 5, तो ये बन जाएगा 3x रेज टू पावर 5, और बेटा माइनस 4x माइनस 2x ये कितना हो जाएगा माइनस 6x, और लास्ट में क्या बचा 4x क्यूब, तो 4x क्यूब को पहले लिख रहा हूं, माइनस 4x क्यूब को पहले लिख रहा हूं, और ये बेटा 4x माइनस 2x माइनस 6x को बाद में लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर बन गया है, चाहे तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले लें, दिल चाहे तो यहां से x कॉमन ले सकते हैं बेटा, x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x रेज टू पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी देख लें अगर मिडिल टर्म ब्रेक होती है तो 6 3 जा 18, 3 और 6 2 और 9, तो यहां तक आंसर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने अभी आपके सामने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं मूव करूंगा मजीद आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर डिवीजन रूल है, वो आप पर छोड़ रहा हूं, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके सामने करने लगा, कौन सा क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10, 9 आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं करने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके सामने लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 10 में भी डिवीजन रूल अप्लाई होना है। कैलकुलेशन बड़ी एहतियात से करें, गलती के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, डेरिवेटिव लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं रह जाता, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना जो है वो काम है। तो यहां पर बेटा मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 करने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लेट कर लें y इज इक्वल टू अंडर रूट, बल्कि अलग अलग से स्क्वेयर रूट है, यहां पर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर पे भी ज्यादा से स्क्वेयर रूट है, डिनोमिनेटर वाले नंबर पे भी ज्यादा से स्क्वेयर रूट है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से, ए की स्क्वेयर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल पे स्क्वेयर रूट, अलग-अलग स्क्वेयर रूट था ना, मैंने होल पे स्क्वेयर रूट अप्लाई कर दिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है dy / dx। अब मैं जब राइट साइड पे जाता हूं तो यहां पे मुझे पावर वाला फंक्शन नजर आ रहा है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर, क्या पावर 1/2, तो यहां पे पावर कितनी है 1/2, तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले एक पावर कम 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, पावर पहले एक पावर कम,
डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं बेस देखता हूं तो उसमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। क्या बोलेंगे, सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वन प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन। तो यहां पे मैंने पावर रूल कंप्लीट कर लिया, पावर पहले एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम बेस की बात कर रहे थे ना तो वहां पे क्या था, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे तो मैंने डिवीजन रूल लगा दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, इधर देखें डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज आ गया। सिंप्लीफिकेशन जरा ध्यान से देखिएगा, वन ओवर टू, वन प्लस एक्स ओवर वन माइनस एक्स, बेटा वन बाय टू में से माइनस करेंगे वन तो ये बचेगा माइनस वन बाय टू। इधर डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जीरो प्लस वन वन, वन जब वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स। अब बेटा जीरो माइनस वन माइनस वन, ये माइनस वन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। जीरो माइनस वन क्या होता है, माइनस वन, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, प्लस वन को जब मैं वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा वन प्लस एक्स एज इट इज। अब बेटा वन ओवर टू मैंने एज इट इज लिख दिया, वन प्लस एक्स, इस पे आप अलग से पावर वन बाय टू अप्लाई कर दें, बल्कि एक काम करते हैं यहां पर हम पावर पॉजिटिव कर लेते हैं, पावर क्या कर देते हैं पॉजिटिव। अभी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है माइनस वन बाय टू। आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाओ, जब भी आप इसको इंटरचेंज करते हो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में को न्यूमिनेटर में ले जाओ तो पावर का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जब भी हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में बदल दें तो पावर का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इधर देखें प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो गया तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस वन टू ओवर, नीचे क्या है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पर बड़ी एहतियात से देखिएगा, वन ओवर टू मैंने एज इट इज लिख लिया, वन माइनस एक्स की पावर कितनी है, वन बाय टू, वन माइनस एक्स की पावर वन बाय टू, ये मैंने अलहदा से लिख दी। वन प्लस एक्स की पावर भी कितनी है, वन बाय टू, ये भी मैंने अलहदा से लिख दी। और इधर क्या बचा है हमारे पास, टू ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टू ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप देखें मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, मैं वन ओवर टू एज इट इज लिख लूंगा, वन ओवर टू एज इट इज लिख लूंगा। वन माइनस एक्स की पावर वन बाय टू है ना, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन बाय टू। इसको नीचे मैं क्यों लेकर जा रहा हूं, इसको मैं नीचे इस वजह से लेकर जा रहा हूं, नीचे पहले से भी मेरे पास वन माइनस एक्स मौजूद है, वन माइनस एक्स वाली वैल्यू के पास मैं वन माइनस एक्स वाली वैल्यू को लेकर जा रहा हूं, तो ये वन माइनस एक्स मैं इधर नीचे लाने लगा हूं, तो जब मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये वाला टू बेटा इस टू से कैंसिल हो गया तो ऊपर जस्ट बचेगा हमारे पास वन, बाकी का काम मैं इधर कर रहा हूं, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, जस्ट वन बचेगा और नीचे क्या है, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय टू, ऊपर वाले वन माइनस एक्स को नीचे लेकर आओ तो पावर हो जाएगी माइनस वन बाय टू और आगे है वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले वन माइनस एक्स की पावर वन बाय टू को मैं नीचे ले आया तो पावर नेगेटिव हो गई। नीचे क्यों लेके आया, ताकि ये सिमिलर बेसिस इकट्ठी हो जाए। अब इधर देखिएगा, वन एज इट इज आ गया, क्वेश्चन लाइन एज इट इज आ गई, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय टू मैंने एज इट इज लिख लिया, एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, बेस को एक दफा लिख के पावर्स को ऐड कर लें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाय टू प्लस टू, माइनस वन बाय टू प्लस टू, टू एलसीएम माइनस वन प्लस फोर, तो ये आ जाएगा 3 बाय टू, माइनस वन बाय टू में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाय टू। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय टू और यहां पे 1 माइनस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3 बाय टू, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक इसको डिस्कस करके कंप्लीट कर देंगे और हम मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 की तरफ।